अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इस्माइल मनेरी और आप लोग देख रहे हैं आई विजन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस। आज मैं आपको बताता हूँ सीपी प्लस डीवीआर अपने मोबाइल में ऑनलाइन कैसे देखें। इसके लिए आप डीवीआर स्क्रीन पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और मेन मेनू पे लेफ्ट क्लिक कीजिए और आपका डीवीआर का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपको सेटिंग में नेटवर्क सेटअप में जाना है। नेटवर्क सेटअप पे लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। नेटवर्क सेटअप में आपको डीवीआर को आईपी एड्रेस देना है उसी रेंज में जिस रेंज में आपके राउटर का आईपी एड्रेस है। अगर आपको राउटर का आईपी एड्रेस नहीं पता है तो डीएचसीपी पे रखिए, ये ऑटोमेटिकली राउटर के ही आईपी के रेंज में आईपी ले लेगा। इसके बाद आपको जाना है इंस्टा ऑन पे। इंस्टा ऑन पे लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये मेनू खुलेगा, इसको एनेबल कर दीजिए। ऊपर जो रेड मार्क बता रहा है, रेड डॉट, कनेक्ट स्टेटस ऑनलाइन बताना चाहिए। अगर ऑफलाइन होगा तो आपका डीवीआर ऑनलाइन नहीं दिखेगा, कनेक्ट स्टेटस ऑनलाइन होना चाहिए। उसके बाद यही क्यूआर कोड आपको मोबाइल की स्क्रीन पर स्कैन करना है। अभी मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि क्यूआर कोड कैसे स्कैन करना है और अपने मोबाइल में इस डीवीआर को कैसे ऐड करना है। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। अपने मोबाइल में जी सी मोब ऐप डाउनलोड कर दीजिए और उसको ओपन कर दीजिए। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जो थ्री डॉट है उसमें जाइए, डिवाइस मैनेजर में जाइए और राइट हैंड साइड में जो प्लस का सिंबल है उस पर क्लिक कर दीजिए। इसको ओके कर दीजिए, वायर्ड डिवाइस पे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अपने डीवीआर को कोई भी एक नाम दे दीजिए, आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं जो नाम आपको देना है। इसके बाद क्यूआर कोड के सिंबल पे क्लिक करके अपने डीवीआर स्क्रीन के क्यूआर कोड को स्कैन कर दीजिए। यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दीजिए डीवीआर का, जो डीवीआर में आपने पासवर्ड दिया है। उसके बाद ऊपर राइट हैंड साइड में सेव का बटन है, सेव कर दीजिए। मेरे डीवीआर में इस नाम से ऑलरेडी एक डिवाइस एग्जिस्ट है, इसलिए डीवीआर नाम थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं। इसके बाद फिर से डिवाइस मैनेजर में जाइए उसी डिवाइस में और स्टार्ट लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। ये आपके कैमरास डीवीआर में ओपन हो चुके हैं। अभी मैंने कैमरास कनेक्ट नहीं किए डीवीआर से, इसलिए ब्लैंक स्क्रीन बता रहा है, लेकिन ये डीवीआर की ही स्क्रीन बता रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइए। शुक्रिया दोस्तों।